नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बारिश आई, आफत लाई, केवल यूपी के लिए ही नहीं, दिल्ली में भी आफत कम नहीं है। दिल्ली में तो बारिश ने सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। नई संसद की छत क्या टपकी, मोदी सरकार की नींव हिल गई है। जी हां, दिल्ली की बारिश ने नई संसद में छत की पोल खोल दी है, छत टपकने लगी है और सरकार को बाल्टी से उसके पानी को बिखेरने से रोकना पड़ रहा है। अब इस बात का विपक्ष फायदा तो उठाएगा ही, इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पर जमकर मजे लूट रही है। वहीं अखिलेश यादव ने तो ऐसी बात कर दी है कि भाजपा मुश्किल में फंसी हुई है और खुद को मुश्किल में फंसा हुआ महसूस कर रही है। वहीं नई संसद की इस लीकेज का कनेक्शन पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से निकाला जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बुधवार रात हुई बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली में कई जगहों पर भारी जलभराव की खबरें आ रही हैं। भारी बारिश से नया संसद भवन भी अछूता नहीं रहा। नई संसद भवन की छत से बारिश के दौरान पानी टपकते दिखा। कांग्रेस ने तुरंत इसकी वीडियो शेयर की, जहां टपकती छत के नीचे बाल्टी रखी गई। इसी वीडियो पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी, जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर। बता दें कि नए संसद भवन सरकार की महत्वाकांक्षी 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब बारिश से जो नजारा सामने आया, उसने विपक्ष को ही नहीं जनता को भी सोशल मीडिया पर बोलने पर मजबूर किया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर नई संसद का निर्माण किस कंपनी ने किया है, जिसके बाद नई संसद का गुजरात कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। नए संसद भवन का निर्माण गुजरात की कंपनी ने कराया था। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस निर्माण के पीछे बिमल हसमुख पटेल की अहमदाबाद स्थित HCP डिजाइन कंपनी है, जिन्हें विपक्ष मोदी का आर्किटेक्ट कहा जाता है। गुजरात और खासकर अहमदाबाद में कई बड़े प्रोजेक्ट की डिजाइन बिमल पटेल की कंपनी HCP ने ही की है। मोदी ने बिमल पटेल से वाराणसी में विश्वनाथ धाम, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट का काम लिया। इससे पहले वो भुज रीडेवलपमेंट पर भी काम कर चुके थे। बता दें कि देश के मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी समेत पूर्वोत्तर राज्यों में जमकर मानसून की बारिश हो रही है। भारी बारिश के दौरान बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। भारी मानसूनी बारिश जहां आफत बनी हुई है, वहीं इस पर सियासत भी गर्माई है। नई संसद में पानी के लीकेज ने सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। 2023 में बनी नई संसद की पहली बारिश निर्माण की ऐसी पोल खोलेगी, शायद ही किसी को अंदाजा हो। अब विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार कैसे देती है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।